बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे। वेंसडे की दोपहर जब काका के जाने की खबर आई तो पूरा बॉलीवुड शोक में चला गया। उनके फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल था कि रोमांस किंग और सबके सबसे चहेते सुपरस्टार काका नहीं रहे। पिछले कई दिनों से काका की सेहत सही नहीं थी और उन्हें एक दिन पहले ही लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। राजेश खन्ना 69 साल के थे। उनका निधन उनके घर पर यानी आशीर्वाद में हुआ। राजेश खन्ना का अंतिम संस्कार गुरुवार को सुबह 11 बजे किया जाएगा। पिछले कई दिनों में कई बार उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर खबरें आईं। इस सुपरस्टार की हेल्थ की वजह से उनके फैंस ही नहीं फैमिली मेंबर्स भी पिछले कई दिनों से परेशान थे। मैं बस यही बोलने आया हूँ कि I'm just regretting to inform everybody, आप सबको ये बताने आया हूँ कि my father-in-law Mr. Rajesh Khanna is not there with us। अक्षय के अलावा पूरी खन्ना फैमिली पिछले एक दिन से लगातार काका के साथ ही थी, लेकिन बुधवार की दोपहर काका के निधन की खबर ने आकर उनके चाहने वालों को दुख में डुबो दिया। राजेश खन्ना ने अपने जीवन में आखिरी वक्त तक काम किया, वो हमेशा मुस्कुराते रहे। अब भले ही राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे, पर बॉलीवुड के इस फर्स्ट सुपरस्टार ने अपने करियर में कई ऐसी रिमार्केबल माइलस्टोन फिल्में दी हैं जिनकी यादें इस सुपरस्टार के फैंस कभी नहीं भुला पाएंगे। Hi, this is Omar Qureshi. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and get fresh news of Bollywood entertainment 24/7.